हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका श्री मोटर के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कमलेश। और दिवाली की आपके वहां पर तैयारियां जोर जोर से चल रही होगी, उसी आज फेस्टिवल के मौके पे मैं लेके आया हूं आपके बीच में दो न्यू ब्रांड गाड़ियां कंडीशन की। एक लेके आया हूं XUV300, एक लाया हूं आपके लिए किया सेल्टोस, एक 2020 मॉडल, एक 2019 मॉडल। यानी फेस्टिवल टाइम पे हर किसी का मन होता है कि कुछ नया लें, तो कुछ नए के लिए ही हम आपके लिए इस बार अपडेट गाड़ियां लेके आए हैं। एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन की गाड़ियां लेके आया हूं दोनों, और एकदम मिंट कंडीशन की गाड़ियां लाया हूं दोनों दोस्तों। और रही बात स्पेसिफिकेशंस की और इसके फीचर्स की, तो वो अपन डिटेल में गाड़ी की आज डिस्कशन करेंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले आपके बीच में जो है, हमारे बीच में 2020 मॉडल की HTK+ किया सेल्टोस, जो कि सेल्टोस गाड़ी की मैं बात करूँ तो सेल्टोस गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो वेरिएंट है वो है HTK+। तो वो HTK+ लेके आया हूँ आपके बीच में। और एक चीज़ और डिस्कशन करेंगे अपन आज गाड़ी के विषय में कि यार बेसिकली किया सेल्टोस जो है वो मार्केट में आते से ही एकदम वेटिंग पे चल रही है, और आज भी इस गाड़ी की वेटिंग ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है इस गाड़ी का कि इस गाड़ी के ऊपर आज भी वेटिंग है, और क्यों वेटिंग है? लोगों की पसंद क्यों है ये गाड़ी? इस विषय में आज अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपन गाड़ी के डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली मैं चीज़ बता दूँ आपको कि हुंडई की जो क्रेटा थी, ठीक है, और किया जो है, ये दोनों जॉइंट वेंचर हैं आपका हुंडई और किया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी इसका प्लेटफॉर्म डेवलप क्रेटा ने ही करा है। क्रेटा गाड़ी ने ऑलरेडी इस गाड़ी को पूरा मार्केट डेवलप करके ऑलरेडी दे चुकी थी, उसके बाद किया ने इस गाड़ी को लॉन्च किया है। और क्रेटा से इसके अंदर क्या चीज़ एक्स्ट्रा है तो मैं बता दूँ आपको, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा है उस गाड़ी से। और रही बात इसके इंजन और स्पेसिफिकेशन की, तो वो भी बिल्कुल लाजवाब है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 4000 mm से बड़ी गाड़ी के सेगमेंट की। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ जस्ट लाइक कि इसके अंदर जितनी लेग रूम है, जितनी हेड रूम है, जितना स्पेस है इसके अंदर, आपको जीप कंपास में भी उतना ही हेडरूम और लेग रूम मिलेगा। और जीप कंपास की कीमत आप जानते हैं कितनी होती है? 25 लाख रुपए से तो रेंज स्टार्ट होती है, 27-28 लाख रुपए की आती है। और उसी सारे एमिनिटीज़ के साथ में किया ने ये गाड़ी आपके सामने सेल्टोस लॉन्च करी है, और सारे एमिनिटीज़ इसके अंदर आपको दी है गाड़ी के अंदर। यानी एमिनिटीज़ की बात करूँ मैं तो एक जो जनरेशन होती है, जो जनरेशन के साथ जो अपडेशन होना चाहिए उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें किया ने इसके अंदर पूरा की पूरा डिज़ाइन करके इस गाड़ी को पूरा परफेक्ट लॉन्च किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी है जो आपको आउटडेटेड लगे। जैसे कि मैं बात करूँगा सबसे पहले तो इसकी जो हेडलाइट है वो इस सेगमेंट में पहली हेडलाइट है जो कि एकदम बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ाइन के साथ में इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने बना के दी है, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर भी मिल रहा है, DRL भी मिल रहा है, कॉर्नर लाइट भी मिल रहा है, और साथ ही साथ आपके जो फोग लैंप भी दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर वो भी बिल्कुल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ाइन के दिए हैं। मेंटेनेंस जो है हेडलाइट का और नीचे फोग लैंप का वो भी काफ़ी G9 है, काफ़ी रिजनेबल है। यानी आप देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल भी जो दिया हुआ है गाड़ी का वो भी अनकॉमन दिया हुआ है। यानी कि ये आपकी एक अनकॉमन पहचान डेवलप करती है गाड़ी, और एक प्राइस रेंज में और एक पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है। यानी कि मेंटेनेंस वाइज भी बात करूँ मैं तो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, और साथ ही साथ मैं बात करूं इसकी तो फ्यूल एफिशिएंसी भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। कंपनी क्लेम इसका 21 km/L का है, जो कि एक आम आदमी के लिए भी कंफर्टेबल है, चाहे वो कहने का मतलब ज़्यादा हाई क्लास हो चाहे वो मिडिल प्रोफाइल हो, सबके लिए कंफर्टेबल है एवरेज इस गाड़ी का। और साथ ही साथ जो इसके अंदर एक और अच्छी बात दी हुई है गाड़ी के अंदर, वो दी हुई है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस जो दिया है गाड़ी के अंदर 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है इसके अंदर किया सेल्टोस ने। और टायर साइज़ जो दिया है इसके अंदर 16 इंच और 17 इंच दो टायर साइज़ दिया हुआ है इसके अंदर, जो कि HTK+ है तो इसमें 16 इंच का टायर है, और जो इसका एक और जो टॉप मॉडल आता है सबसे टॉप एंड उसके अंदर टायर साइज़ और बड़ा दिया हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कीलेस एंट्री फीचर्स दिया हुआ है, साइड ग्लास इंडिकेटर भी देख सकते हैं आप इसके अंदर भी विथ इंडिकेटर लाइट्स दी हुई है साथ ही साथ में। और एक जो ऊपर रूफ रिल दिया हुआ है वो भी इस गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाता है और काफ़ी बढ़िया दिखती है। साथ ही साथ आप मसल्स देख सकते हैं गाड़ी की, जो आर्च वगैरह है गाड़ी की वो भी काफ़ी
एक बोल सकते हैं कि एक एकदम डिसेंट लुक प्रदान करती गाड़ी की, चाहे वो एक यंग जनरेशन हो, चाहे वो एक कॉरपोरेट प्रोफाइल हो, चाहे वो एक बिजनेस प्रोफाइल हो, सभी के लिए इसके अंदर ध्यान रख के इस गाड़ी को डेवलप किया है और सारी चीज़ें इसके अंदर एकदम एक उच्च दर्जे की दी हुई है गाड़ी के अंदर। और ये हो गई गाड़ी की साइड प्रोफाइल, अब हम बात करेंगे गाड़ी की रियर प्रोफाइल की कि इसमें रियर प्रोफाइल में भी क्या आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में भी मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले आपको कि इसके जो टेल लैंप है वो भी काफ़ी बैरल साइज़ के दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपकी विजिबिलिटी रात के टाइम जब आप हाईवे पर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यानी कि पीछे से कोई ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है तो आपकी विजिबिलिटी उसको दूर से ही दिखने वाली है। यानी कि इसके अंदर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से काम किया है और बहुत ही एक बोल सकता हूँ मैं एक क्वालिटी वर्क किया हुआ है गाड़ी के अंदर काफ़ी, और होना भी चाहिए यार। बेसिकली क्या है कि किया भी जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है तो वो अपने ब्रांड के लिए तो सारी चीज़ें करता है हर व्यक्ति, तो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी ने भी पूरा वर्क इसके अकॉर्डिंग ही किया है। देख सकते हैं आप कि फोग लैंप भी इसके अंदर इनबिल्ट दिया हुआ है, उसके बाद इंडिकेटर भी इनबिल्ट दिया हुआ है, टर्न इंडिकेटर भी दिया है, देन और पार्किंग भी दिया है। यानी कि बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है रियर का जो प्रोफाइल है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं रियर वाइपर भी दिया है और ऊपर रूफ पे इसके अंदर एक एरोडायनामिक एरियर दिया हुआ है जो कि पूरा की पूरा एरोडायनामिक जो गाड़ी का लुक है उसको पूरा सिर्फ एरियर से ही आप परिभाषित कर सकते हैं, इतना बढ़िया दिया हुआ है। और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर आप नीचे भी देख सकते हैं जो इसका रियर बम्पर है उसको भी इन्होंने बिल्कुल एकदम स्पोर्ट्स लुक प्रदान किया है, उसके अंदर भी काफ़ी रब रील्स वगैरह, काफ़ी स्पोर्ट्स स्कटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन की है और काफ़ी मजबूत के साथ में इसको पूरा डिज़ाइन किया है, काफ़ी हेवी लुक प्रदान करता है जो कि गाड़ी को ये। और एक और जो इस गाड़ी की सबसे अच्छी विशेषता वाली बात यह है कि इस गाड़ी का जो आपको बूट स्पेस मिलने वाला है वो मिलने वाला है 433 लीटर का। यानी कहने का मतलब आप 5 सीटर कार है बट उसके अंदर आप कम से कम 8 लोगों का लगेज ले जा सकते हैं, यानी 433 लीटर का बूट स्पेस बहुत बड़ा होता है, तो वो भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, एकदम काफ़ी स्पेशियस है वो। और अब हम बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर के विषय में कि गाड़ी अंदर से क्या है और क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो मैं आ चुका हूँ अब गाड़ी के इंटीरियर में, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये HTK प्लस मॉडल है और इस गाड़ी के अंदर आपको मैं बता दूँ सबसे पहले जो गाड़ी की कीमत रखी है मैंने वो रखी है मात्र 2020 मॉडल की गाड़ी है ये, और इसकी कीमत रखी है मैंने मात्र 13,25,000 रुपये। तो 13,25,000 रुपये में अब आपको क्या क्या मिलने वाला है ये चीज़ आप काउंट करिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको गाड़ी जो है वो आपकी पुश बटन स्टार्ट, उसके बाद में आपको स्टेयरिंग माउंटेड मिलने वाला है जिसके अंदर सारी एमिनिटीज़ मिलने वाली है लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लेके वॉइस कमांड से लेके वॉल्यूम का प्लस वॉल्यूम का जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं आप, आपका चैनल चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में आप कॉल भी यहीं से रिसीव कर सकते हैं, देन उसके बाद में फोल्डर चेंज भी आपको ऑप्शन यहीं से मिलने वाला है, उसके साथ साथ आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलने वाला है। ये सारी एमिनिटीज़ आपको जो है आपके स्टेयरिंग पे ही मिलने वाली है, तो ये सारे फीचर्स आपको इधर स्टेयरिंग पे मिल रहे हैं। देन उसके बाद में आपको वायरलेस फास्ट चार्जर आपको इसके अंदर मिलने वाला है जो कि 12 वाट से 120 वाट को सपोर्ट करता है, उसके बाद में आपको USB पोर्ट मिलने वाला है और म्यूज़िक सिस्टम में भी आपको पूरा डिजिटल डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि आपका मैनुअल भी है और टच भी है, दोनों वर्क करता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको GPS एवरीथिंग ये सारी चीज़ें आपको इसमें इनबिल्ट मिलने वाली है, और साथ में जो टेक्नोमीटर है आपका वो डिजिटल विद टेक्नो दोनों डिजिटल और मैनुअल दोनों मिलने वाला है आपको। और AC के वेंट्स काफ़ी एकदम बोल सकता हूँ मैं एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में दिए हुए हैं जिससे गाड़ी के अंदर बैठने के बाद किसी प्रकार का कोई सफोकेशन फील नहीं होता है। और जी एक और अच्छी बात है इस गाड़ी के अंदर वो ये है कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो अपोस्ट्री यूज़ करी है कंपनी ने, जो लेदर अपोस्ट्री यूज़ करी है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ करी है गाड़ी के अंदर, वो भी आपको मिल रही है। साथ ही साथ एक जो डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं आप एकदम ग्लो और शाइनी डैशबोर्ड मिल रहा है जो कि आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो एक अपने आप में एक नई जनरेशन की जो कार्स हैं उसका एकदम बिल्कुल फील कराता है कि यार
एक टाइम हुआ करता था जब दूसरी गाड़ियां भी हुआ करती थी मार्केट के अंदर, और जो कुछ नया आता है मार्केट में लोग सबसे पहले उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो होना भी चाहिए क्योंकि कंपनी ने इतनी मेहनत करी है, इतनी अच्छी गाड़ी इसको डिज़ाइन किया है इसको, तो बिल्कुल अट्रैक्ट तो होना ज़रूरी है इनकी तरफ। तो ये तो आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर चीज़ें एक ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही है। साथ ही साथ एक और जो अच्छा पार्ट है इसके अंदर वो ये है कि ये 6 स्पीड फॉरवर्ड है और उसके बाद में रिवर्स है, टोटल 7 गियर की कार आपको मिल रही है। साथ ही साथ इसमें एमिनिटीज़ तो काफ़ी है, बहुत सारी है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको सेंटर कंसोल में भी इसके अंदर आपको 2 कप होल्डर मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो चारों दरवाजे हैं, चारों दरवाजे में बॉटल होल्डर मिलने वाला है। साइड ग्लास भी जो है आपकी गाड़ी का वो इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है इसके अंदर। और साथ ही साथ एक और जो चीज़ है कि गाड़ी के अंदर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, सिटिंग कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, और मटेरियल जो भी यूज़ करा है गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं, मटेरियल भी एकदम हैवी क्वालिटी का यूज़ करा है गाड़ी के अंदर, तो वर्थ है। यानी 13,25,000 रुपये में आपको ये गाड़ी मिल रही है, तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। नई गाड़ी जो है वो तकरीबन 17-17.5 लाख रुपये की आ रही है, और एकदम नई ब्रांड कंडीशन जैसी गाड़ी की हम आपको दे रहे हैं मात्र 13,25,000 में। शोरूम पर जाओगे तो कम से कम 6 से 8 महीने की तो मेरे को लगता है मिनिमम वेटिंग चल रही है इस गाड़ी पे। और आप फेस्टिवल टाइम पे नई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल प्रेजेंट में एकदम रेडी अवेलेबल गाड़ी है श्री मोटर पे। और उसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलूँगा आपको, देख सकते हैं आप रियर सीटिंग भी गाड़ी का कितना एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन का है। ऐसा लगता है कि पीछे वाली सीट पर तो शायद ही कोई बैठा ही नहीं है कभी अभी तक, यानी कि बिल्कुल एकदम बहुत कम यूज़ करी हुई गाड़ी है और एकदम मिंट कंडीशन की गाड़ी है आपके सामने है। यही सारी चीज़ें हमारी जो कोशिश रहती है कि हम हमारे क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छा क्या दे सकते हैं, हम उसी के लिए प्रयास करते हैं और उसी के लिए मेहनत भी करते हैं। तो दोस्तों आपको कभी ये गाड़ी पसंद आई हो तो बिल्कुल विज़िट करिएगा श्री मोटर पे, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और उसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये तो हो गई आपकी सेल्टोस की बात, आपको एक और जो साथ में मैंने बताई थी XUV300 वो भी हमारे पास अवेलेबल है, उसका वीडियो भी हम आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और लिंक में भी हम आपको उसकी वीडियो भेजेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए श्री मोटर के साथ में, और आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।